अपने पासपोर्ट की फीस अदा करना अब बहुत ही आसान और महफूज वन बिल के साथ। ये सहूलत वन लिंक मेंबर्स के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, एटीएम्स और ब्रांच या ब्रांचलेस बैंकिंग पर दस्तियाब है। तो गाइस, डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जो है वो ई पेमेंट यानी पासपोर्ट आसान का जो ऑनलाइन का जो मुकम्मल वर्जन है उसको बहाल कर दिया है। आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि जो पासपोर्ट आसान है वो बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में आने वाला है, तो आ चुका है। अब आप हर तरह की पासपोर्ट की जो पेमेंट है, फीस है, उसे आप लोग ऑनलाइन घर बैठे पे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान ये है कि आप लोगों ने इनकी वेबसाइट dgip.gov.pke-services पे आना है और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे पासपोर्ट फ्री पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैकेनिक रीडेबल पासपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी आपके पास 6 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए फ़ीस देना चाहते हैं। नया पासपोर्ट, पासपोर्ट में तरमीम, तजदीद, पासपोर्ट खो गया है, ख़राब हो चुका है या सफात ख़त्म हो चुके हैं। तो इन 3 में से भी किसी भी एक पर्पज़ के लिए आप लोग जो है वो करना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं नया पासपोर्ट के लिए फ़ीस को अदा करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करूंगा। तो यहां पे आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे कि आप प्रायोरिटी पे करवाना चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, अर्जेंट है, फास्ट है, जो भी आप चाहते हैं। तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। आपको कितने पेजेस के लिए चाहिए वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऊपर आपको फ़ीस भी यहाँ पे पता चलती जाएगी कि कितनी फ़ीस कम हो रही है, बढ़ रही है, तो आप लोगों ने इससे अंदाज़ा लगा लेना है। उसके बाद एक्सपायरी ड्यूरेशन यानी कि म्याद ख़त्म होने का दौरानिया कितना चाहिए आपको, तो वो आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रीजन पे जाना है। तो देखिए, पहले यहाँ पे कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब पूरे पंजाब के यानी पूरे पाकिस्तान के सारे भी आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने रीजन का पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, अपना फुल नेम, अपना CNIC, कन्फर्म CNIC, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। तो आप लोग जो है वो आपके पास एक कोड आ जाएगा वन लिंक का। आप लोग उसे जो है वो अपने किसी भी मोबाइल ऐप जो कि आपकी बैंकिंग ऐप है या फिर अपने इजी पैसा या जैस कैश के थ्रू भी आप उसकी पेमेंट करके प्रोसेस करवा सकते हैं। मैं इसके ऊपर पहले भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें तो आपको जो 3D तरीके से मैंने प्रोसेस समझाया, आप लोग उस प्रोसेस को भी देख के आसानी से अपनी पेमेंट को ऑनलाइन सर अंजाम दे सकते हैं। या मेरी तफसील वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे कार्ड पे भी मिल जाएगा एंड के ऊपर, आप लोग उसको देख सकते हैं। पासपोर्ट फीस की अदायगी के लिए पासपोर्ट फीस आसान ऐप खोलें, पासपोर्ट ई पेमेंट का इंतखाब करें और फिर शुरू करें के बटन पर क्लिक करें। पासपोर्ट कैटेगरी और एप्लीकेशन की पसंद का इंतखाब करें। पासपोर्ट फीस की मालूमात के लिए दर्जी, सफात की तादाद और मियाद का इंतखाब करें। अपनी जाती मालूमात दर्ज करें, जैसा कि रीजनल पासपोर्ट साइट, नाम, CNIC, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और इसके बाद जेनरेट PSID पर क्लिक करें। इस PSID को अपने पास कहीं महफूज कर लें, फिर अपने मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें। इनवॉइस या वाउचर का इंतखाब करें, अपना PSID दर्ज करें और अपनी रकम की तस्दीक कर लें। रकम की तस्दीक के बाद अदायगी करें और बस, आपकी फीस अदा हो गई। अब अपनी पासपोर्ट फीस आसान ऐप खोलें और चेक स्टेटस पर क्लिक करें और अपना PSID दर्ज करके अदायगी की तस्दीक कर लें। पासपोर्ट फीस की अदायगी करना बहुत ही आसान, वन लिंक वन बिल के जरिए।